हेलो दोस्तों, लखनवी मोहित के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मलिहाबादी मैंगोज़ के बारे में जानेंगे, बहुत ही खास बातें जो अभी यहां पर तैयार हो रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले आगे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। लखनऊ का मलिहाबादी इलाका अपने बेहतरीन आमों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ के अधिकतर किसान आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करते हैं। लेकिन इनमें से जिन्होंने आम की सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ की खोज की, उनका नाम है कलीमुल्ला खान। इन्होंने आम के एक ही पेड़ में 300 से ज़्यादा किस्मों को ग्राफ्टिंग टेक्निक से लगाया, जिसको हिंदी में कलम तकनीक भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने 2008 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्होंने आम की बहुत सारी किस्मों की खोज की, जिनमें से बहुत सारी किस्मों के नाम इन्होंने भारत की बहुत चर्चित हस्तियों के नाम पर भी रखे, जिनमें से कुछ प्रमुख किस्मों के नाम ऐसे भी हैं: योगी आम, अखिलेश यादव आम, ऐश्वर्या राय आम, सचिन तेंदुलकर आम, सोनिया गांधी आम, मोदी आम। इसके अलावा एक बहुत ही चर्चित आम है जिसका नाम है अनारकली आम, जिसके दो अलग अलग तरह के छिलके हैं और जिसके अंदर दो लेयर में अलग अलग तरह का टेस्ट भी है। ये तो हो गई मलिहाबाद के आम के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आम के इस सीजन में हमने अपने बगीचे में क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और टाइप का कीड़ा लग गया है इसमें, जो आम को काटता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आम जिसको मतलब अपने आप नहीं गिरा है, ये इसको काटा गया है। ये कीड़ा होता है, ये काट देता है आम को, यहाँ से ऊपर से गिरा देता है। और कीड़ा कौन सा है ये देखिए, यहाँ पर ये है, कटर बोलते हैं इसको। तो इसको हटाने के लिए अभी धुलाई भी कराई जा रही है आजकल में। और इसके आगे का ये जो है बहुत ही शार्प होता है, काटता बहुत तेज है। यहाँ पर जो आम ये काटा गया है, इसको अब हम लोग काटेंगे चाकू से और जलजीरे के साथ खाएंगे, क्योंकि ये विटामिन सी के लिए तो बहुत अच्छा ही होता है। और आम के सीज़न में कच्चा आम नहीं खाए तो फिर क्या खाए, मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा बाग में बैठ के कच्चा आम खाने में ही आता है। और ये दोस्तों आम है दशहरी का, जो अभी गिरा हुआ था, कीड़े ने काट दिया था, ऊपर से काटा था, अंदर कोई इसमें नुकसान नहीं है, अंदर बिल्कुल अच्छा है। ये आम बहुत खट्टा होता है, अगर जलजीरे के साथ खाना है तो उधर एक पेड़ लगा है, फजरी बोलते हैं उसको, उसका आम बहुत मीठा होता है। वो अब बिना जलजीरे के खाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये इतना खट्टा होता है ज़्यादातर लोग इसको खा नहीं पाते हैं। तो आइए देखिए कैसा लग रहा है ये। और यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा जलजीरा, जिससे इसका जो खट्टापन है थोड़ा कम हो जाए। और जलजीरे के साथ तो आम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और हमको पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो अगर आप खाना चाहते हैं आम, इतना स्वादिष्ट आम, तो आप हमारे बाग में आ सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क सेवा रहेगी, आप आके यहाँ पे इसका आनंद ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन, वाह। और ये है दोस्तों लखनऊआ आम का पेड़। डाली इसकी थोड़ी झुक गई है, इसमें नीचे लकड़ी लगानी पड़ेगी ताकि ये थोड़ी ऊपर रहे, क्योंकि यहाँ पर नीचे जितने पड़े हुए हैं आम नीचे गिर गए हैं, मतलब नीचे झुकने की वजह से तो ये आम ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी वैरायटीज़ के आम लगे हुए हैं, जैसे ये जो लगा हुआ है, ये भी एक नई किस्म का आम है, इसमें भी काफ़ी अच्छा पल्प रहता है अंदर, और लास्ट में ये बिल्कुल आता है। ये पकता बहुत दिन में है, मतलब इसको अगर आप रख लेंगे बिल्कुल अगस्त में, अगस्त के लास्ट में ही पकता है, तब ये तोड़ा जाता है, और जल्दी पकता भी नहीं है। इसके अलावा दशहरी के भी आम लगे हुए हैं, और अब की बार आम तो काफ़ी कम आया ही है। दशहरी के आम ये हैं, लेकिन जगह जगह ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो ये जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, वो भुनगा लग जाता, भुनगा टाइप का होता है जिसको बोलते हैं, लूजी लग जाती है, उसकी वजह से आम काला भी पड़ने लगता है। लेकिन धुलाई हो गई थी 3-4 बार, तो अभी सही है। दशहरी का आम काफ़ी ठीक ठाक इसमें अभी लग गया है। इसके अलावा कई वैराइटीज़ के पेड़ और हैं हमारे बाग में, जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं। और ये है दोस्तों कटहल का पेड़, इसमें कटहल लग चुके हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, पिछली बार तो ये ऊपर तक पूरा लगा हुआ था, लेकिन अब की बार बहुत कम आए हैं। छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं तो बेकार ही होकर गिर जाएंगे, लेकिन ये जो बड़े हो रहे हैं ये ठीक ठाक अभी हो जाएंगे। तो अभी ये छोटे ही हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। और इधर भी एक वैरायटी का आम लगा हुआ है। हमारे इस बाग में दशहरी है, चौंसा है, फजरी है, लखनऊआ का आम है, और उधर साइड में आम्रपाली और मलका भी है। तो आपको भी दिखाते हैं कि आम्रपाली और मलका कैसा आम होता है।
और यहाँ पर भी एक छोटा सा कटहल का पेड़ लगा हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कटहल लग रहे हैं अभी। और ये इधर एक ये और एक ये पेड़, दो पेड़ लगाए गए थे आम्रपाली और मलका के, तो इनमें तो अभी आम नहीं निकले हैं। इसमें निकला था एक आम, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। और बाकी ये है चौसा का पेड़, तो इसमें भी पिछले बार आम आया ही नहीं था, लेकिन अब कि दिख रहे हैं आम, ठीक ठाक इसमें आया है। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ का। दो पेड़ चौसा के थे यहाँ पे, एक सूख गया था तो उसको कटवाना पड़ गया था। इसके अलावा साथ में अगर आप ये देखें तो ये है गोला, इस आम को बोलते हैं गोला, ये बिल्कुल गोल होता है, देखिए आप ऐसा आम होता है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये काफ़ी इतना हैवी हो जाता है। टेस्ट में ठीक रहता है अगर आप खाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है जितना दशहरी वगैरह का होता है। आम तो हैं, सबके टेस्ट अलग अलग रहते हैं। और ये भी एक चौसा का पेड़ लगाया गया है दोस्तों, और ये अभी एक दो साल में आम देने लगेगा। ये साइड में हमने नींबू का पेड़ भी लगाया है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर, इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और इधर सेम के पौधे भी एक दो लगे थे, जिनमें सेम तो नहीं निकली थी, मतलब थोड़ी और सूख गई है, इसे आप देखें, ये आप देख पा रहे हैं ये सेम है। और इसके अलावा ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं, इसको, इस आम की वैरायटी को बोलते हैं मलका, और इसके तीन चार पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। इस आम की खास बात ये होती है कि ये इतनी जल्दी पकता नहीं है, और ये आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, मतलब ये बड़ा होता रहता है और ये बिल्कुल लास्ट में, जैसे जब मैंगो का सीज़न ओवर हो जाता है तो बिल्कुल आपको लास्ट में इसको तोड़ना होता है। और इसको फ्रिज में अगर लगा देते हैं तो एक महीने तक ही आराम से उसमें रखा रहता है, पकता बहुत टाइम लेके है, इतनी जल्दी पकता नहीं है। और इसका शेप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोग ड्राइंग बनाया करते थे छोटे क्लासेस में, आम का बिल्कुल वैसा ही रहता है इसका शेप। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी वही है, और ये किनारे मलका, ये इधर मलका लगा है और ये है आम्रपाली, तो ये आम भी काफ़ी खाने में स्वादिष्ट रहता है। और ये है दोस्तों फजरी, फजरी और खजरी का नाम आपने सुना होगा, खजली भी बोलते हैं उसको। ये दोनों आम काफ़ी बड़े होते हैं और ये आम जो है काफ़ी बड़ा रहता है, और ये पकता जल्दी है, मतलब अगर रख दें तो जल्दी पक जाता है, लेकिन सीज़न में आखिरी में ये भी आता है, लास्ट में इसको तोड़ा जाता है। तो अगर इसमें देखें तो काफ़ी आम आता है इस वाले पेड़ में भी। और ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लखनऊआ का पेड़ है, जिसमें बौर तो बहुत आया था लेकिन पत्ते निकल आए तो आम सब दब गया, आम नहीं निकला इसमें। ये भी एक लखनऊआ का पेड़ था, कट गया था तो इसमें फिर से पत्ते निकलने लगे हैं। और ये किनारे के हैं तार, इसलिए बांधा गया है क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत आ जाते हैं और आम को और आम के पत्तों को, पेड़ को काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। और ये आम दोस्तों खाने में बहुत ही मीठा होता है, अगर आप इसको कच्चा भी खाएंगे तो काफ़ी मीठा लगेगा, पकने के बाद तो वैसे ही होता है जैसे सारे आम होते हैं मीठा, लेकिन ये ज़्यादा मीठा मिलेगा। लेकिन अगर इसको कच्चा खाते हैं नमक के साथ या जलजीरा के साथ तो काफ़ी इसका टेस्ट आपको स्वादिष्ट लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस बार आम जितनी उम्मीद की गई थी उससे काफ़ी कम हो गया है, दिखने में बौर में लग रहा था कि काफ़ी आम आ जाएगा, लेकिन अब की बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है क्योंकि आम बहुत कम आया है, और जिन्होंने पहले से बागें खरीद रखी हैं तो उनको नुकसान तो झेलना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आम का जो अब की बार का रेट रहेगा वो हाई हो सकता है क्योंकि आम की पैदावार उतनी हुई नहीं है, फसल कम आई है, तो आम जिस तरह पिछली बार हुआ था उसी हिसाब से रेट में थोड़ा इजाफा हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अभी लगेगा टेंट एक, जो कुछ दिन बाद लगाएंगे, क्योंकि जब आम बड़ा होने लगता है तो चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे यहाँ पर अभी कल एक चोरी हुई थी जिसमें आसपास के जो कटहल के पेड़ थे उनमें से काफ़ी लोगों ने कटहल चोरी कर लिए, तो यहाँ पर ये देखना भी पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर टेंट लगाना ज़रूरी है। तो टेंट लग जाएगा तो फिर देर रात तक रुकने में आसानी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तब तक कि आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।